पोस्टमार्टम अभी होगा और पोस्टमार्टम से सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि हत्या किस तरह से अंजाम दिया गया और क्या इसको पानी में धक्का दे दिया गया या फिर मार्कर शॉ फेंक दिया गया या फिर किसी और घटना को तो अंजाम नहीं दिया गया हत्या करने के पहले। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए अभी इस पूरे केस में कई कड़ियां जो है वो खुलनी बाकी है। आशुतोष में बताऊं आपको कि इसमें अभी काफी कुछ खुलासा होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से जांच शुरू हुई थी, जिस ढिलमुल रवैये से, वो तो परिवार का प्रेशर था। कल का आपको बताऊं कि जो लोकल लोग हैं उनका गुस्सा भी काफी ज्यादा फूटा था। जो आरोपी हैं उनको पकड़कर इलाके के लोगों ने पीटा भी, किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उनको वहां से लेकर गई, लेकिन लोकल लोगों का गुस्सा फूटा है। एक आरोप तो ये है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस है और बगल में ही देवभूमि भी है, वहां पर छोटे छोटे रिजॉर्ट की आड़ में गैर कानूनी धंधे होने लगे हैं, एक आरोप ये था। दूसरा ये आरोप था कि पुलिस ने इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन अब डेड बॉडी चूंकि यहां से रिकवर हो गई है अब, और डेड बॉडी की पहचान भी जो अंकिता के पिता और भाई थे, हमने तस्वीरें दिखाई कि वो भी पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे, डेड बॉडी दिखाई पुलिस ने, कपड़ों से पहचान कर ली गई है अंकिता की, और बिलक बिलक कर वो रो भी रहे थे। देखिए बेहद दर्दनाक ये हादसा है, कैसे एक लड़की अपने सपनों को बुनने के लिए वो आती है, रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करती है, तो परिवार काफी गमगीन है और उसूलों से समझौता नहीं किया अंकिता ने, शायद यही वजह है कि जो पुलकित आर्या जैसा सरफिराज जिसके सर पर रसूख चल रहा था उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो, जो ये आप देख पा रहे हैं ये काफी लंबी नहर है आशुतोष और गहरी, यहाँ पर डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए कल भी यहाँ पर तलाश की जा रही थी लेकिन डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बकायदा जो बैराज है उसको बंद किया गया ताकि जो पानी का फ्लो है वो कम हो सके, उसके बाद तब जाकर आज जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो पाई है। डेड बॉडी को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर अब पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा कि क्या कुछ हुआ था अंकिता के पास अंकिता के साथ हत्याकांड से पहले। अरविंद ये भी अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पहले कार्रवाई हो गई होती, अब बुलडोजर चला देने से क्या फायदा, अंकिता वापस नहीं आएगी, किसी माता पिता की लाडली की हत्या हो जाती है अब उसकी जिंदगी वापस नहीं आएगी, आप चाहे लाख बुलडोजर चलाते रहें, ये कार्रवाई पहले अगर हो गई होती और लोग आरोप लगा रहे थे यहां पर गैर कानूनी धंधा चल रहे हैं, स्पा चल रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट के आड़ में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है, इस लड़की ने विरोध किया उसकी हत्या कर दी गई, अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन और वहां की सरकार क्या कुछ कह रही है अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष कि अगर कोई हत्याकांड होता है तो उसको उसकी तफ्तीश की जाती है, उसकी जांच की जाती है, बारीकी से जांच करनी चाहिए स्थानीय प्रशासन को, उसके बाद जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके ये ऐसा मजबूत केस बनाना चाहिए कि आरोपी को सजा हो, लेकिन यहाँ तफ्तीश के पहले ही चूंकि किरकिरी हो रही थी, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था, इसीलिए देर रात, अगर आप देखेंगे तस्वीरें भी हमने भेजी हैं कि देर रात ही बुलडोजर चलाया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या महज रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने से जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी, क्या रिजॉर्ट पर पहले से एक्शन हुआ, रिजॉर्ट का जो मालिक है पुलकित उस पर पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं, ऐसा लोकल लोगों का कहना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शिकायत की गई तो शुरुआत में ही जिस पुलिस चौकी में शिकायत की गई वहां पर उस दरोगा ने एक्शन नहीं लिया, आपको बताऊं प्रशासनिक लेवल तक जो अंकिता के पिता और भाई हैं उनको डीएम तक के चक्कर काटने पड़े, एडीएम के चक्कर काटने पड़े, उसके बाद डीएम के आदेश पर तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार दरअसल लोगों का गुस्सा कम करने के लिए बुलडोजर देर रात चलवाती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है। अंकिता कई दिनों से मिसिंग थी, उसके बाद और अरविंद सवाल ये भी गंभीर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहां पर स्थानीय लोगों को सबको पता है, भनक है वहां पर, कर्मचारियों को पता है, वो शिकायत करते हैं लेकिन वहां पर पुलिस को, पुलिस प्रशासन को ये कानों कान खबर नहीं होता कि वहां अंदर क्या चल रहा है। पुलिस की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। जो शेखर सुपाल है उनसे एक बार बात कराने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद उसकी तस्वीरें वो अंकिता के माता पिता को भेजी गई हैं और उसके बाद पिताजी मेरे साथ गाड़ी में हैं, पिताजी और भाई मेरे साथ। अच्छा, तो सयाल साहब आप देख पा रहे हैं जो अधिकारी है उन्होंने ये बताया है कि
देखिए उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के, मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे, और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। वो परिवार जिसने अपनी लाडली को खो दिया, माता पिता का दर्द उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑडियो में ये था कि एक अंकित नाम का पुलित मालिक और सौरभ भास्कर, इन्होंने मेरे साथ मेरी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की। तो ये 18 तारीख जब मेरी लड़के का स्विच ऑफ हो गया था, ये बाहर ले गए थे उसको। तो जब बाद में 10-11 बजे वो वापस आए तो मेरी लड़की उनके साथ नहीं थी। ये तीनों बंदा वापस आए, मेरी लड़की उनके साथ नहीं थी। ये तो ये पता नहीं इन्होंने किडनैप किया या कहीं छुपा रखी है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी पर। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती, मुझ पर क्या बीत रही है। 5 दिनों से मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। एक माँ का दर्द आपने सुना, किस तरह से माँ का रो रो कर हाल बेहाल है। लेकिन इस बीच जिस तरह से तलाशी अभियान वहां पर और डेड बॉडी जहां से मिला, एसडीआरएफ के अधिकारी क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। यहां पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया, डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। तो डेड बॉडी को लेकर जाया गया है और एम्स में पोस्टमार्टम होगा, एसडीआरएफ के अधिकारी ने बताया। तो नॉनस्टॉप ये खबरें लगातार जारी, हर बड़ी खबर को आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।